ठगी वाला ना पहना है, तुम्हारी वाला ना पहना है, ये बताओ दीदी का। अरे आज हमारे बेटी का नाम अच्छा लगा, देखिए रो रही है, हेलो दोस्तों, तो आज हम लाडो का नाक छिदवाने के लिए जा रहे हैं। देखिए लाडो रो रही है। चलो बच्ची, चलो चलो इधर आ, इधर आ बैठ जाओ। लेके अरे मैं बेटा रो रही है, बैठो बैठो बैठो, पकड़ो पकड़ो। ए बस बहनी हमार पहिन ले ले ले। अरे अरे मुआ देखी, मुआ देखी लाडे का अपने नहीं बड़ा नहीं, यही था छोटा ही एकदम लिए थे ना। कैसा लगा था बेटा? कितना लगा भैया? दवाई लगा दे, भागो जा जा, दवाई लगा जा, बड़ा जल्दी अब छेद दिए। छेद में समय लगता है का? इतना देर में दो लड़की फिर आता है। जा भाग जा। इसको गुड़ खिलाओ। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लगा। बोले बोले मार रही है। अरे बाप पकड़ ले, रहती छेद हो ना। हम ना ही पकड़ पाती, कतैया कबो ना पकड़ पाती। देखो दो दो आंटी जी आई हैं, इधर एक आंटी हैं, एक इधर हैं। लाडो के हमारे नाक से दोनों इतना लोग पकड़ के इसका नाक याद रहेगा कि क्योंकि हमारी बेटी नहीं है, उनके भी बेटी नहीं है, दो लोग मिल के एक बेटी का हम लोग इसका नाक छदवाए हैं। इन्हों को मन करो नहीं लगता, पिराता बोला। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हम गुड़िया गोरखपुरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज देख सकते हैं हमसे मिलने के लिए नेहा सिंह आई हैं, यहाँ पे इंदु चौहान 988 क्या करे नंबर वाला गा ले लू दादा। हम खुद लगा के पछताई ला, सोची ना लगा रहती तो अब तक कहीं हटा दे लेती, लेकिन देखा तो हम भी लगाए आप आगे जैसे। हाँ जैसे आ रहे हैं आपका, देखे देखा हम देख देखे बोल रहे हैं, देखे देखा आ रहा है। तो दोस्तों आए ये फर्स्ट बार किसी से मिलने के लिए आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। नेहा सिंह चैनल का नाम है, और जल्दी से जा करके एक बार इस चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा कि इस चैनल में आखिर में है क्या। शॉर्ट बनाती हैं, ब्लॉग भी बनाती हैं, उतना मेहनत नहीं करती हैं, लेकिन अब मेहनत ज्यादा करेंगी बोल रही हैं, तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा तो मैं भी अपना प्यार आप लोग को जरूर दूंगी। हाँ बांटेंगी, प्रसाद समझ के खा लीजिएगा। अभी तो भाभी का रोल कर सकती हूँ, और कुछ तो रोल नहीं कर सकती हूँ। अरे ऐसा नहीं, इतना भी इतना अच्छी दिख रही है, बताइए बोल रही है भाभी का रोल कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। एकदम हम नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल सोशल मीडिया पे रही हूँ, पर फर्स्ट आज मैं गुड़िया जी से मिलने आई हूँ, और आप लोग के प्यार से मेरे इंस्टाग्राम पे 20 लाख फॉलोअर है, और मैं चाहती हूँ कि यही मेरे फॉलोअर यूट्यूब पे आ जाए। हाँ, कम से कम एक लाख भी हो जाएगा तब भी समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दीजिए, नेहा सिंह ब्लॉग। अच्छा क्या सोच के आई थी हमको बता दीजिएगा। मैं सोची मेरी एक भतीजी बोलेगी चलिए मैं गुड़िया जी से मिलवा के लाती हूँ, तो मैं सोची कि दुनिया मेरे से मिलने आती है और मैं आज आज उनसे मिलने के लिए आई, तो मैं सोची क्या होगा। हाँ, मोदी जी जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं, जब उनको जरूरत पड़ता है तो वो आपसे मिलते हैं। सही बात। तो मोदी जी पैर भी देखिए धुलते हैं, तो मेरे से बहुत छोटी है तो मैं भाभी समान हूँ इनकी, तो कोई बात नहीं, बड़ी भाभी मां नहीं, हम भाभी नहीं बोलेंगे, दीदी बोलेंगे, क्योंकि हमारे गांव शहर की हैं इसलिए हम दीदी, क्या कि हमारा मायका भी कवनिया में ही पड़ता है, तो छोटी बहन ही समझ लीजिए, तो हम दीदी ही बोलेंगे। तो आप लोग अगर या अगर कवनिया की बहू होती तो शायद इनको हम भाभी बोलते हैं, लेकिन जी कोई बात नहीं है।
पर आप लोग मेरे से भी ज्यादा इनको प्यार दीजिए। अरे हमको प्यार तो मिल ही रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सबको सबका देखिए। ऐसा है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके एक लाइक से किसी का घर बस जाए, घर में खुशी आ जाए, तो आप तो अपने जेब से पैसे दे नहीं रहे हैं, तो नहीं। आप एक लाइक और एक फॉलो से समझ ले किसी की जिंदगी बनती है, तो आप लोग दान कर रहे हैं, आप ही लोगों के सहारे आज हमारा परिवार दान कर रहे, किसी घर में भोजन दे रहे हैं और खिला रहे हैं, आपके वजह से कोई अच्छा खासा जिंदगी जी रहा है, जो एक एक पैसे के लिए एक एक दाने के लिए तरस तरसता है, तो आज ये जो है जो भी इनको दिक्कत परेशानी थोड़े की वजह से आपकी जिंदगी में खुशी मिलना चाहिए है, सही बात है, ये तो सही बात। आप लोग अपने जेब से पैसे नहीं देते हैं तो आप लोग एक लाइक एक फॉलो जरूर करिए, क्योंकि मोबाइल हर व्यक्ति चलाता है लेकिन कोई करता नहीं है ना आजकल। मेरा दिल से आप लोग से निवेदन है कि एक काम जरूर आप लोग करिए, मोबाइल नहीं चलाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जेब से पैसा कोई नहीं देता है, मैं ये बात सबको बोलती हूँ। तो दोस्तों आजकल के जमाने में ज्यादातर करके अश्लील वीडियो देखा जा रहा है, अश्लील गाने गाया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाह के भी मतलब सोचते हैं वीडियो ना बनाए, लेकिन देखते हैं कि अश्लील गाना है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम लोग भी बना लेते हैं, क्या करें, के है हा? तो दोस्तों यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय।